हेलो फ्रेंड्स, खादुमला बाइकर्स ग्रुप में आपका स्वागत है। और हमारे सामने है BMW की G310 GS, जो ऊपर से तो ये BMW है, बट अंदर से इसका इंजन वही अपाची 310R का ही है। और अपने सेगमेंट में ये एडवेंचर टूरिंग मॉडल में सबसे गुड लुकिंग बाइक है। और इसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर या इनडायरेक्ट देखा जाए तो वो केवल रॉयल इनफील्ड के हिमालयन से है, और प्राइस के मामले में ये उसकी जस्ट डबल है। और इसमें इसका जो बेस्ट पार्ट है ये इसका लुक्स है, इसका परफॉर्मेंस है। ये बहुत लाइट वेट है, सिटी ट्रैफिक में चलानी हो, हाईवे पे चलानी हो या ऑफ रोडिंग जानी हो, हर जगह के लिए ये बेस्ट है ये बाइक। और इनमें जो भी फंक्शन दिया वो यूटिलिटी वाइज जो आपको ज़रूरत है वही फंक्शंस हैं इसमें, और आपको वो बहुत बेस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी हर जगह पे जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। जैसे इसका ब्रेकिंग हो गया, इसकी सीट हाइट हो गई, और इंजन हो गया, और माइलेज, ये सब कुछ जो है वो बहुत ही सही है इसका। जैसे ये लोग कहते हैं ऑफ रोडिंग के लिए है, तो ये स्पोक व्हील नहीं है, बट डुअल पर्पज इसका जो है जो टायर है वो सभी जगहों पे जाने के लिए सही है। और स्पोक व्हील होने पे क्या होता है, उसमें ट्यूबलेस टायर हो जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो इसमें अगर आपको ऑफ रोडिंग पर जाते हो तो ईज़िली आप पंचर वगैरह बिना टायर खोले ही बना सकते हैं, इसलिए ये सही है। और इसका जो स्पोक व्हील है वो अगर गाड़ी भारी है तो ठीक है, जो मुझे लगता है ये हल्की बाइक है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो इसका वेट है 170 किलो के साथ, तो वो सही है ये बाइक। और बाकी इसका जो प्राइस है वही इसका मेन डिमेरिट है, जो सबसे ज़्यादा इसका 4.5 लाख के आसपास तक पड़ जाती है इसकी प्राइस, और इसका जस्ट हाफ में आपको हिमालयन मिल जाती है। और इसका सर्विस कास्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई फ्री सर्विस भी नहीं होती है, आप हर सर्विस पेड है। और जैसा कि ये एडवेंचर टूर मॉडल है, तो इसका जो इंजन है वो वही 310R का होने के कारण इसमें लो एंड टार्क जैसा कि बहुत कम है, कम क्या थोड़ा कम है, जैसे कि ये 7500 RPM पे 28 BHP पावर 28 NM का टार्क देती है, और जो हिमालयन है वो 32 NM का टार्क देती है 4200 RPM पे। तो जो लो इन टार्क है वो टूरर बाइक के लिए ज़रूरत होती है उसकी, तो वो इसमें थोड़ा सा उसका लैग होता है। और इसका मैक अच्छा जो स्पीड है हर जगह चलाने के लिए टूरिंग के लिए वो 90-95 से लेके 110 तक ही है, और हिमालयन का भी नियर अबाउट यही है कि 90 के आसपास अगर आप हिमालयन चलाते हैं तो वो भी बेस्ट ही रहता है। तो और इतने प्राइस पे आने के बाद भी इसमें थोड़ा अंडर पावर लगती है गाड़ी कहीं कहीं टूरिंग के टाइम में और कंपेयर में, क्योंकि इससे कम पावर की और कम पैसे की गाड़ियों में आपको इससे ज़्यादा मिल जाएगा परफॉर्मेंस कुछ मामलों में, बट ये जो देती है वो सारी गाड़ियाँ नहीं देती हैं। जैसे हीटिंग इशू इसमें नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, बट इसको थोड़ा सा विंड ब्लास्ट की थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम है, अगर इसका विंडशील्ड थोड़ा सा रेज करना चाहिए या फिर आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है ऑफ रोडिंग के लिए, इसमें स्विचेबल ABS दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। और ये सिटी में इजी टू मनूवर गाड़ी है, लेकिन इसमें जो नहीं दिया गया है वो जो है इसका विंडशील्ड, जैसे मैंने बताया, वो थोड़ा सा रेज करना चाहिए, फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, और जबकि इसका टैंक रेंज लगभग 250 किलोमीटर ही है एक बार अगर फुल टैंक कराते हैं। और अगर इसका जो कि FI इंजन है तो पूरा फ्यूल आप यूज़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि फ्यूल पंप भी आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए इसका टैंक रेंज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और टैंक कैपेसिटी भी। इसमें LED लाइट्स नहीं है, सेपर क्लच नहीं है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है, ये और टैंक रेंज जो टैंक कैपेसिटी जो 11 लीटर की, ये इसकी मेन डिमेरिट्स हैं। बाकी ओवरऑल ये बाइक बहुत अच्छी है, बट अगर इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि इससे कम रेंज में अब जो है में भी हो सकता है कि हिमालयन की पैरेलल ट्विन अगर इंजन आ जाती है तो इसको बहुत बड़ा टक्कर दे सकती है, क्योंकि जो हिमालयन का इंटरसेप्टर का इंजन है 650 का, वो बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही अच्छा है, और हर गियर में हर स्पीड में ये प्रॉपर पावर फील होती है, जो कि इसमें ये चीज़ लैग है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग जब आपकी स्पीड बहुत कम होती है उसमें लो इन टार जो चाहिए होता है वो इसमें लैग करता है।
और अगर बाइक के बारे में आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे मुझे लगता है अगर प्राइस इसकी कम होती तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। आपको बाइक कैसी लगी और रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये बहुत ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की। थैंक यू फ्रेंड्स।